हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस कटअप क्या रही थी। ठीक है, तो फ्रेंड इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या कटअप रही थी पिछली बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे सफल अभ्यर्थियों की अंतिम चयन, ठीक है, यानी कि ये आपका मेघा सूची परीक्षा फल प्रकाशित किया जा रहा है। मेघा कर्मा अनुसार आरक्षण कोटिवार तथा रिक्त के अनुसार चयनित उपर्युक्त 879 अभ्यर्थियों के अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्तांक तथा जन्म तिथि निम्न तालिका अनुसार है। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड, पिछली बार जो सीट था 900 के आसपास सीट था, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन कितने का किया गया, 879 का सिलेक्शन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, कल जो मैं एक वीडियो डाला था फ्रेंड, तो उस पर बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आपको कैसे पता कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड मैंने CSVC के ऑफिशियल नंबर पे कॉल किया था, तो उन्होंने हमें रिप्लाई किया था कि अभी रिजल्ट को लेकर के कोई अपडेट्स नहीं है, से आप न्यूज़पेपर देखते रहें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं बात करूँगा फाइनली कटअप की क्या रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात कर लो कैटेगरीज, ठीक है, मैं मेल और फीमेल की बात करूंगा, ठीक है, कितनी कट ऑफ गई थी। और देखिए फ्रेंड, जनरल कैटेगरीज, ठीक है, और ये आपका रिमार्क्स यानी कि कट ऑफ मार्क्स दे दिया है, और ये कट ऑफ DO भी दे दिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये निर्धारित किया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरीज का, जो कि 289.33 गया था, ठीक है, और वही मैं बात कर लूँ फीमेल का, तो 188 गया था। अब सोच रहे होंगे कि 289, तो फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो आप 289 में 4 से भाग दे दीजिए, कितना कटअप गया था आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वही मैं बात कर लूँ SC की, ठीक है फ्रेंड, तो SC का जो कटअप गया था मेल कैंडिडेट का, ये आपका 266 पॉइंट समथिंग गया था, ठीक है, और वही फीमेल का जो गया था 142.67 गया था। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर DO भी दे दिया गया है 17/11/1995, ठीक है, यानी कि 17/11/1995 DOB के अनुसार ये आपका कट ऑफ तैयार किया गया था। ठीक है, और ये महिला के लिए देखिए फ्रेंड 10/5/1996 DOB रखी गई थी। वही मैं बात कर लूँ ST की, देखिए फ्रेंड यहाँ पे ST का कट ऑफ क्या था, देखिए यहाँ पे ST का जो कट ऑफ था 277 था। देखिए यहाँ पे SC का 266 और ये ST का 277, फ्रेंड 277 इसलिए रहता है कि देखिए कहने का मतलब वैकेंसिया के ऊपर होता है, ठीक है, कि सीट कितनी है। ठीक है, वही मैं बात कर लूँ फीमेल की, तो फीमेल का 177 गया था। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड EBC का, ठीक है, EBC का जो कट ऑफ गया था 276 गया था। EBC का कितना कट ऑफ गया था फ्रेंड 276, और DOB जो लिया गया था आपका 5/6/1996 लिया गया था। वही मैं बात कर लूँ महिला की, तो महिला का 160 गया था। ठीक है, और महिला का DOB कितना लिया गया था 1995 से लिया गया था फ्रेंड। वही मैं बात कर लूँ BC की, ठीक है, BC का कट ऑफ जो गया था फ्रेंड, BC का कट ऑफ गया था मेल कैंडिडेट का 284 गया था। ठीक है, 284 गया था, और वही फीमेल का 172 गया था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, BC ओमेन यानी कि 3% इन सभी को एक्स्ट्रा जो दिया जाता है, इनका कटअप 170 गया था। तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो कटअप रहने वाला है थोड़ा हाई रहने वाला है, और हाई इसलिए रहने वाला है फ्रेंड कि इस बार जो वैकेंसियाँ भी है वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार आधी है। ठीक है, आधी वैकेंसी है, तो कटअप डेफिनेटली ही हाई जाएगी। ठीक है, और एक कारण और है फ्रेंड कि इसमें देखिए पहले जो था कैटेगरीज जो था आपका EWS जो था, EWS नहीं शामिल था। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नहीं शामिल था। इस बार क्या किया गया है कि फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में EWS को शामिल किया गया है। ठीक है, तो EWS को शामिल किया गया है फ्रेंड, तो सीट तो कम ही है और एक कैटेगरीज आप और शामिल कर लिया गया इसमें, तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।